सो गाइज, आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप GoDaddy.com डोमेन मात्र 102 रुपए में कैसे बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ कंडीशन भी बताऊंगा, आप उनको फॉलो करेंगे तभी आपको 102 रुपए में मिलेगा। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो आपको सिंपल से आपके कोई से भी ब्राउज़र के अंदर जाना है। एग्जाम्पल के लिए मैं क्रोम ब्राउज़र में जा रहा हूँ, ठीक है। यदि आप मोबाइल में इसको खोल रहे हो तो आप इसको डेस्कटॉप वर्जन में खोल लें, ठीक है। तो इसको डेस्कटॉप वर्जन में खोलने के बाद आपको यहाँ पर अपना डोमेन है जो सर्च करना है, और ध्यान रखिए जैसे कि मेरा कुछ भी यहाँ पर डोमेन है। उसके बाद आपको .com लगा देना है, ठीक है, ताकि ये सही से सर्च में जाए। तो यहाँ पर इसको आपको सर्च कर लेना है। देन इसको सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ ऐसा ये चेक करेगा कि अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा एड टू कार्ट पर क्लिक, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर कंटिन्यू टू कार्ट पर वन डोमेन सिलेक्टेड हो चुका है। तो यहाँ पर कंटिन्यू टू कार्ट पर मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा खुलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको ये जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन है इसको यहाँ पर नो थैंक्स कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो ईमेल सपोर्ट है तो यहाँ पर आपको नीचे आपको इसको भी नो थैंक्स कर देना है, प्रोफेशनल ईमेल का, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑलरेडी नो थैंक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू कार्ट पर क्लिक कर देना है, और मैं आपको 102 रुपये में इसको पूरा खरीद कर बताऊँगा, ठीक है। तो इसको आप देखते रहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी बता रहा है फ़िलहाल 1464.64 रुपये, ठीक है। लेकिन हमको तो 102 रुपये में ख़रीदना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर है 2 ईयर्स सिलेक्टेड, तो इसको हम 1 ईयर पे कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 ईयर से 1 ईयर सेलेक्ट किया तो इसका प्राइस हो गया 1464 से 991 रुपये। लेकिन हमको तो अभी भी इसको 103 रुपये में ख़रीदना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और एक एक स्टेप है जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं INR लिखा है इंग्लिश के बगल, ठीक है। तो इसको आपको करना है सेकंड नंबर पर US डॉलर पर, ठीक है। इसको करने के बाद ये फिर से पेज रिलोड होएगा, और इसके बाद आप देखेंगे कि इसका प्राइस हो गया है $14, जो कि हम कह सकते हैं 914 रुपये समथिंग ये। तो हमको तो इसको 103 रुपये में ख़रीदना है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक प्रोमो कोड यहाँ पर आपको डालना है, हैव ए प्रोमो कोड पर, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा प्रोमो कोड डालने का। तो यहाँ पर आपको लिखना है GDT99.com1, ठीक है। तो ये आप प्रोमो कोड देख ले, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसको आपको अप्लाई कर देना है। देन अप्लाई करने के बाद ये ग्रीन हो जाए, समझ लेना ये आपका वैलिड है। तो यहाँ पर आ गया है $1.35। इसको यदि आप कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपये में तो समथिंग आएगा 102 रुपये समथिंग। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जिससे आपने कभी GoDaddy का अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, और आपको उससे इसको बाय करना है, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन में अपना एड्रेस डालना है, और इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो उसमें आप पेपल से या आपके जो क्रेडिट कार्ड है उससे यहाँ पर पेमेंट कर सकेंगे। और उसमें आपका ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल पेमेंट है जो एक्टिवेट होना चाहिए, उसको आप अपने बैंक के सर्विस सेंटर पर कॉल करके, कस्टमर केयर पर कॉल करके एक्टिवेट करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। यार अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप आने वाले वीडियो भी देख सकें। और कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा।